अभी जो मैं एक ट्रेंड में शिफ्ट देख रही हूँ वो ये है कि बहुत लोग, अगर आप ऐसा मान रहे हो कि टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आपने कुछ देख लिया आपके फ्यूचर के लिए तो वो हमेशा के लिए तय हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैं इस वीडियो में अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी पावर जो है वो एक इंसान की उसके खुद में है। मैं खुद के लिए टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी इस तरह से यूज़ करती हूँ कि वो मुझे एक हल्का सा अंदाज़ा दे सके कि मुझे अगर करियर में कुछ चाहिए या अपने लव रिलेशनशिप्स में कुछ चाहिए तो मैं अभी किस स्थिति में हूँ, इस स्थिति में मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मुझे उस फाइनल गोल तक पहुँचने में मदद करे, या मेरे क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस को मैं किस तरह से हटा सकती हूँ। तो टैरो आपको वो सबका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सकता है, इवन एस्ट्रोलॉजी आपको वो दे सकता है, मगर इन सब में मैं किसी को भी कभी खुद ये नहीं कहूँगी कि जो एक बारी कह दिया गया बस वही फाइनल है। इस पूरे चैनल का, मेरे यूट्यूब चैनल का, मेरे बोलने का, मेरे एक इस फील्ड में रहने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि मैं हर इंसान को ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी अमेजिंग पावर है जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने दे सकती है। अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे ये करना है, चाहे वो आपके टैरो में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, या खुद खुदा ने आपके आपकी डेस्टिनी में लिखा हो कि ये इसको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस इंसान ने भी बोल दिया कि मुझे ये हासिल कर रहना है वो उसे ज़रूर पाएगा। एंड यही इस पूरे चीज़ का मकसद है कि प्लीज़ टैरो को, एस्ट्रोलॉजी को और जो भी मैं टूल्स दे रही हूँ उन्हें आप एक साधन की तरह यूज़ कीजिए। आप उन्हें पूरी तरह से अपने लिए मत सोचिए कि बस ये आएगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। हम जो आपको टैरो देते हैं, हम जो आपको एस्ट्रोलॉजी के ऑप्शंस दे रहे हैं, वो इसलिए है कि आपको हल्का सा अंदाज़ा हो जाए कि देखो मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, शायद से बारिश हो जाए या शायद से लू चल रही होगी, तो उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेके आप बढ़ें। वो इसलिए नहीं है कि घर में ही बैठे रहें और निकले ही ना, वो सिर्फ इसलिए हैं कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, जब निकले तो सही तरह के कपड़े पहन के चले, या अपने लिए एक स्पेयर चेंज ऑफ क्लोथ रखें कि कहीं पे भीग गए, या फिर अपना तरीका देख लें कि प्रॉब्ली उस दिन मीटिंग ना करें, कि उस दिन से लू में परेशान होने की जगह या बारिश में जाने की जगह बेहतर है कि आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दें। सो इसको इस तरीके से लीजिए, ये कोई भी एक फिक्स रूल नहीं है। इस दुनिया में अगर आपको कोई भी कह रहा है कि तुम्हारा किस्मत में ये लिखा है और तुम यही बनोगे, तो आपने उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट को, इतने बड़े बड़े लोग जीसस, बुद्धा, मोहम्मद, मोसेस, ये सब कह कह के थक के चले गए कि अपनी पावर खुद के अंदर ढूंढो। और अगर आप वो अभी भी नहीं ढूंढ रहे हो, अभी भी बाहर ही किसी और से जानना चाह रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, तो वो सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले अपने आप को जानो, मैं ये चाहता हूँ, मुझे हासिल करना है, उसके बाद हमारे जो टूल्स हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस आपके लिए आ सकते हैं, इसको आप किस तरह से मिटा सकते हो, या मे बी शायद से एक डिले है आपके चीज़ों में होने का, लेकिन वो डिले को जान के आप उसको थोड़ा स्पीड अप कर सकते हो। इसलिए हम आपको बाकी चांट्स वगैरह देते हैं कि उस चांट से आप सिंप्लीफाई करो, मगर इन सबसे सबसे सुप्रीम पावर जो है, और मैं सबको कहूँगी, वो है ग्रैटिट्यूड। अगर आपने अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखा है हर दिन अपने जीने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सांस के लिए, अपने शरीर के लिए, अगर आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है, आप एक ऐसी पावर ऑफ क्रिएशन अपने अंदर फ्लो करवा रहे हो, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हर वक्त हो कि आपके लिए सब कुछ होकर रहेगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिलकर रहेगा। और कई बार आपको शायद ना भी पता हो कि वो कैसे आएगा, लेकिन वो अपने आप आपके लिए होगा। और यही इस चैनल का पर्पस है कि अपनी पावर को जानो, ठीक है, अपने सेल्फ पावर के अंदर और बेहतर बनो, और अपने आप को इस स्टेट में रखो कि खुद नेचर का हिस्सा बन जाओ। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस चैनल।